हाय गाइस, मैं एक्चुअली आप लोगों को आज बताऊंगा ड्राइंग के हिसाब से कैसे चेक करते हैं फुटिंग को। वैसे प्रोजेक्ट तो काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं पूरा डिटेलिंग अभी नहीं बता सकता। एक फुटिंग ओनली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चेक कैसे करते हैं ड्राइंग के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है उसको हम कैसे चेक करेंगे। जैसे हमारा ये ड्राइंग है, अभी ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट था, इसके लिए मैं एक फुटिंग सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। ड्राइंग के हिसाब से चेक कैसे करते हैं वो ध्यान देना है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये लास्ट का पिलर है, ये लास्ट का ये कॉलम है, लास्ट का फुटिंग है हमारा, ये है S11 का फुटिंग है और S11 कॉलम में भी डिनोट किया हुआ है वो। अब हम इसका डिटेल हम देखेंगे, डिटेल कहाँ पे है इसका डिटेल इसी में होगा, S11 बोल के लिखा होगा उसमें ही पूरी डिटेल होगी। अभी हम ये इसको देख रहे हैं, ये देखिए अभी हमारा यहाँ पे S11 है, इसमें है डिटेलिंग में S11, S2, S1, S3, S11 तक है यहाँ पर। तो इसमें हम डिटेल चेक करेंगे, तो अब हमारा यहाँ पे डिटेलिंग आ जाता है S11 में यहाँ पे डिटेलिंग देखेंगे। यहाँ पे देखिए बता रहा है फुटिंग, फर्स्ट हम देखेंगे फुटिंग का साइज़ है 1200 बाई 1200। अभी हम चेक कर लेते हैं इसको टेप से एग्जैक्टली साइड पर है क्या नहीं। मीन्स 50 mm हम कवर माइनस कर देंगे, तो ये 1100 होना चाहिए। अभी ये देखिए मेरा 1 मीटर 100 आ गया है, 1 मीटर 100 तक है हमारा, तो इसके हिसाब से ये सही है। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे क्या, नेक्स्ट हम कॉलम का साइज़ तो देख रहे हैं, तो कॉलम का साइज़ ठीक है, उसकी जो है ना पेडेस्टल की हाइट कंक्रीट जो डालेंगे हम 300 डालेंगे, वो तो बाद में कंक्रीट डालेंगे वो देखेंगे। अभी हम स्पेसिंग देखेंगे, इसमें दिखा रहा है स्पेसिंग, वो मार्किंग हमारा था, वो मार्किंग से हमारा बराबर है। अभी हम स्पेसिंग देखेंगे इसकी 150 बाई 150 थी, बोथ साइड दिखा रहा है, बोथ वे दोनों डायरेक्शन में 150 150 सेंटर टू सेंटर लेना है हमें, एक सरिये से दूसरे सरिये की स्पेसिंग जो है, और वो सरिया कौन सा है 12 mm का है, 12 mm का 250 सेंटर टू सेंटर यहाँ लिखा हुआ है, डिटेल देख ली दोनों डायरेक्शन में बोथ वे। तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली देख लेते हैं वो चीज़ है कि नहीं। ये देखिए वो 5 mm 10 mm थोड़ा आगे पीछे होता है, उतना इग्नोर करना है, दोनों डायरेक्शन देख लीजिए 150 है 150। इस तरीके से ये ड्राइंग के हिसाब से सही है ना, दोनों डायरेक्शन में हो गया, ये क्लियर हो गया ना। अब ये कॉलम है हमारा, कॉलम उसमें फुटिंग के पेडेस्टल के बाद कॉलम आएगा, तो कॉलम में क्या है 8 नंबर है, इसमें 8 नोज है, 8 नंबर 12 mm डाया है, वो हम देखेंगे 8 नंबर है क्या नहीं। ये काउंट करेंगे इस तरह से 1 2 3 4, 4 इस डायरेक्शन में और 4 उस डायरेक्शन, टोटल 8 हो गया, ये क्लियर है 8 डायरेक्शन में सरिया है। और रिंग जो है हमारे किस हिसाब से 8 mm का रिंग है, वो 200 सेंटर टू सेंटर है, वो भी चेक कर लेंगे हम बता देंगे। ये देखिए 200 210 200 400 इस तरह से कम्प्लीटली हमारा स्पेसिंग बराबर है। इसी तरह हम कहीं भी साइड पे वर्क कर रहे हो तो हमें ड्राइंग के हिसाब से इजली हमें देखना होगा, स्टडी करना होगा फर्स्ट, उसके बाद हमें साइट पे कैसे वर्क कर रहा है उसके देखना होगा, एग्जैक्टली बताना होगा।